हेलो बच्चों, तो आज जेई चैलेंजर के अंदर हम लोग आईटी जेई एडवांस 2016 का सबसे टफ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और ये जेई 2016 का ही नहीं है, ये अब तक जेई एडवांस के जितने क्वेश्चंस आए हैं टिल टुडे, उसमें सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअल में तुम क्लास के अंदर तो तुम्हें पढ़ाया जाता हो प्लेनर मोशन पढ़ाया जाता है, ये थ्री डायमेंशनल मोशन है। तो थ्री डायमेंशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम को, काइनेटिक एनर्जी को किस तरीके से लिंक करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, एक एक चीज़ आपको मैं क्लियरली बताऊंगा। शुरुआत करूंगा एक कॉन्सेप्ट से, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, हर बात प्रॉपरली समझ में आएगी और एक एक चीज़ का फाइनल आंसर तक आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको दिया था, ये यही क्वेश्चन जिसको आप लोग बात कर रहे थे कि सर बताइए कैसे अटेम्प्ट करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, तो पहले समझेंगे कि कैसे करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो ऑल इंडिया रैंक अंडर 10 लाना चाहते हैं। क्लियर है, 95% के लेवल पे है। ये जब भी क्वेश्चन आया था, एक्चुअल में टीचर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इस क्वेश्चंस को लेके। और अगर मैं सही बताऊं तुम्हें, तो टीचर को भी बहुत टाइम लगा था, और फाइनली अभी तक अगर सही देखो तो बहुत सारे टीचर्स को पता ही नहीं है कि इसका सोल्यूशंस क्या है। सत्य तो ये है। तो इस क्वेश्चंस को हम देखने जा रहे हैं, और जिस तरीके से मैं कहूंगा तुम्हें उस तरीके से करना है, देखना है। एक एक बात आपको क्लियर समझ में आएगी, बट एक चीज तो क्लियर बता रहा हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि उसकी जेई एडवांस की रैंक अंडर 500 के बाहर चाहिए, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को देखने की नीड नहीं है, एकदम नहीं। अगर किसी को लगता है कि मैं, मेरी रैंक 500 के अंदर तो आ ही नहीं सकती है, तो नो नीड टू वॉच सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ये एकदम 500 को, या यू कहो तो 100 के अंदर अगर टारगेट हो तभी देखो, अदरवाइज नहीं देखने की जरूरत है, आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं इसको अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। सुनना, एक एक करके आपको यहाँ पे मैं सिखाऊंगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, कंबाइंड मोशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट एक बार मैं वार्न करना चाहता हूं कि अगर फिजिक्स अच्छी नहीं है, अगर आप, एक बार फिर बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप अंडर 100 या अंडर 200 रैंक नहीं लेना चाहते, तो प्लीज इस पे टाइम वेस्ट ना कर। इस पे टाइम वेस्ट आप तभी करो जब रैंक इसके अंदर है, 200 के अंदर है, क्योंकि अगर आपकी रैंक 3000-4000 आने वाली है, इस पे जाओगे तो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है, तो क्यों जाओ जाओ उस पे। ठीक है, तो इसे प्लीज लीव, मैं पहले ही बोल रहा हूँ प्लीज लीव। ठीक है, चलो अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द टू थिन कंडक्टिंग बेस ऑफ मास एम एंड 4m, इसका मास m है, इसका मास 4m है, एंड रेडियस a एंड 2a रिस्पेक्टिवली, इसका रेडियस है, इसका 2a है, आर द रिजिडली फिक्स बाई द मासलेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ l बराबर √24a। ये लेंथ √24 है, ये भी लेंथ √24 है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। थ्रू देयर सेंटर्स दिस असेंबल इज लेड ऑन द फर्म फ्लैट सरफेस एंड सेट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द सरफेस सो दैट द एंगुलर वेलोसिटी स्पीड अबाउट द एक्सिस ऑफ रॉड इज ओमेगा। ये ओमेगा है, ये ओमेगा बेसिकली ओमेगा। The angular momentum of the entire assembly about the point O is L. L is point O ke about net angular momentum L hai. Which of the following statements are true? Multiple choice question hai. To is pure assembly ka apne is axis ke about angular velocity omega hai. Aise ghum raha hai aise. Dekho omega dikha diya. तो ये असेंबली ऐसे घूमते हुए चारों तरफ घूम रहा है अबाउट जिस जेड एक्सिस। द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एल इज इतना,
द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एजम्बल अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज, ये इज है, ये कुछ भी नहीं है, इज दिस वन. द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ एजम्बल अबाउट द पॉइंट ओ इज इतना. ओके, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एजम्बल रोटेट अबाउट द जेड एक्सिस विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अपॉन फाइव. ये ऑप्शन है. देखो मुझे इसके आंसर्स पहले से पता है, तुम्हें भी ऑलरेडी पता है, तो पहले मैं आंसर बताता हूँ फिर मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ. अब इसका आंसर आप दूसरे कोचिंग्स के पे मत जाइए, क्योंकि दूसरे कोचिंग के जो आंसर्स हैं, कुछ ने बी और डी दिया है, कुछ ने सिर्फ डी दिया है, कुछ ने बी या डी कुछ करके दिया हुआ है. तो इसका आंसर अगर आपको चेक करना है तो आपको कहाँ जाना चाहिए, जेई एडवांस के वेबसाइट पर चाहिए, और आप सर्च करिए जेई 2016 एडवांस पेपर. अब जेई एडवांस की वेबसाइट से आप इसका पीडीएफ अपलोड करिएगा, किसी कोचिंग के वेबसाइट से नहीं, कोचिंग वाले कुछ भी अनऑप्शनल आप आंसर दे देते हैं. तो जेई एडवांस पे किस वेबसाइट से जब इसको अपलोड करेंगे ना, तो उसमें पेपर टू में है, पेपर टू में है मल्टीपल चॉइस में, तो इसका जो आंसर है वो उन्होंने दिया है, जेई एडवांस ने जो आंसर दिया है वो मैं पहले लिख दूँ. उन्होंने कहा है कि बी, ऐसे लिखा आंसर बी डी, सुनना आंसर में लिख रहा हूं, बी डी या डी. जे एडवांस ने आंसर इस तरीके से दिया, दिस इज द आंसर गिवन बाय जे एडवांस. बाकी कुछ कोचिंग पे जाओगे तो तुमको सिर्फ बी डी दिखाई देगा, कुछ कोचिंग में हो सकता है डी दिखाई दे, बट एडवांस ने इस आंसर को दिया है बी डी और डी. अब ऐसा उसने क्यों कहा, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जेई एडवांस वालों को ये लग रहा है कि देखो डी करेक्ट है बट बी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है. बट कुछ पर्टिकुलर केस में हम बी को सही मान लेंगे, अदरवाइज बी को सही मानना सही नहीं है. बट हाँ, डी तो हर हाल में सही है, क्योंकि वो इस वाले पार्ट में भी है इस पार्ट, तो डी तो हर हाल में सही है, ये आंसर हर हाल में सही है. बट जो बी है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. नहीं हुआ तो सिर्फ डी करेक्ट होगा, हुआ तो बी भी करेक्ट हो जाएगा. अब मैं बताता हूं आपको कि ऐसा क्यों है, ठीक है, और एक के क्वेश्चंस को कैलकुलेट करता हूं. सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले इस डिस्क को मैं बना रहा हूं इस तरीके से, ऐसे मैंने जेड एक्सिस दिखा दिया, इस तरीके से मैंने वाई एक्सिस दिखाया, और इसको ऐसे दिखा के यहाँ पे एक रिंग बना दिया, और इसको आगे की ओर बढ़ा दिया, और एक रिंग मैंने ऐसे बना दिया. इस रिंग का मास m है, इस रिंग का मास 4m है, इसका जो रेडियस है दिस इज 2a, इसका रेडियस है a के बराबर, और ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ l है, ये भी लेंथ उन्होंने एल दे रखा है. सिमिलरली ये भी लेंथ ए है, ये लेंथ टू ए है, ये है. ओके, अब कह रहा पूरा एग्जांपल इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, और ये पूरा एग्जांपल इस जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, और इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैं इस तरीके से ओमेगा जेड लिख दिया. समझ लो ये जो पूरा एग्जाम्पल है अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और साथ में इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमते हुए रोटेट कर रहा है. अब एक पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक टर्म यूज कर रहा हूं. ये क्या है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन? एक ऐसी एक्सिस है जिसके हर पॉइंट की वेलोसिटी तुम कितना मानते हो, जीरो. द फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, IAR पे लाई करने वाले हर पॉइंट की वेलोसिटी, हर पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो. इसकी पहली खासियत है. दूसरी खासियत, किसी भी रिजिड बॉडी के मोशन में अगर आपने IAR पता कर दी, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता कर दी, तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो ये है, दिस इज द IAR, तो इस पर किसी एक पॉइंट को आप ओरिजिन मान लीजिए, आपकी मर्जी है, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान लीजिए, और इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस रिजिड बॉडी पे लाई करने वाला किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए, ये आर वेक्टर.
इस पॉइंट पी का ये पोजीशन वेक्टर है। तो कहे इस पोजीशन वेक्टर की, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ और नहीं ओमेगा क्रॉस आर को रिप्रेजेंट करता है। ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस की अगली प्रॉपर्टी है ओमेगा क्रॉस आर। अब वी इज द नेट वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑन रिजिड बॉडी एंड आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एंड ओरिजिन उस एक्सिस पे तुम कहीं भी अज्यूम कर सकते हैं। ये सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा ये एक खास बात बताने की कोशिश कर रहा है, अभी आपने कहा कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी, तो अगर ये पॉइंट पी रिजिड, ये पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर आर है, सपोज करो उस रिजिड बॉडी पे कोई पॉइंट हो जो कि आई ए आर पे लाई करे या नहीं भी लाई करे, तो उस रिजिड बॉडी को एक्सटेंडेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं सब, अगर आप रोटेशन अच्छे से पढ़े होंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, और नहीं पढ़े होंगे तो फिर तो समझने में मुश्किलें आ सकती हैं। तो अगर रिजिड बॉडी को मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये पॉइंट भी आई आर पे, अगर मैं दूसरा पॉइंट लूं तो वो भी पॉइंट इस रिजिड बॉडी का या तो पार्ट होगा या तो एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी का पार्ट होगा। तो अगर मैं यहां के पार्टिकल पे यही फॉर्मूला लगाऊं तो आर वेक्टर तो ऐसे बन जाएगा, तो ये भी क्या है, भी जीरो बन गया, ये आर है क्योंकि आई आर पे लाई करो हर पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होती है, ये तो हो गया जीरो, ओमेगा ओमेगा रह गया और आर वेक्टर ए बन गया, तो ओमेगा क्रॉस आर जीरो आ गया ना। ये तभी पॉसिबल है जब ओमेगा और आर एक दूसरे के पैरेलल, ओमेगा और आर एक दूसरे के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तभी जाके ऐसा पॉसिबल। और ये ओमेगा नेट एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ओमेगा नेट और ये आर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे अगर भी जीरो है, और मैं जानता हूं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होती है। इसका मतलब कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अलोंग पोजीशन वेक्टर आर है, ओ और ओमेगा नेट पैरेलल है। दैट मींस यहां से मैं ये कह सकता हूं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस जो है वो कुछ और नहीं नेट एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, नेट एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में। इस चीज को आपको ध्यान, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज पैरेलल या एंटी पैरेलल टू नेट एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं यहां पे एक टर्म्स यूज कर रहा हूं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस आई ए आर इज पैरेलल टू, इज ऑलवेज पैरेलल टू, इज पैरेलल टू ओमेगा नेट, ये मैं लिख लिया ऑफ रिजिड बॉडी। ये तीन प्रॉपर्टी का मैं यूज करने जा, तीन प्रॉपर्टी का यूज करने जा। फोर्थ प्रॉपर्टीज मैं यूज करने जा रहा हूं एनर्जी के लिए। तो मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सिस के विषय में बताई, अब बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की, क्योंकि क्वेश्चंस में एंगुलर मोमेंटम के भी टर्म्स हैं। तो किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम अगर आपको निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट, तो हम उसको लिखते हैं सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम रिस्पेक्ट टू पॉइंट प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। मतलब इसको बेटर है कि ऐसे लिख लो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास पॉइंट प्लस सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम आप ऐड करेंगे। अच्छा ये एलसीएम कुछ और नहीं एम आरसीएम क्रॉस बीसीएम होता है, जहां एम टोटल मास है। अब बात करेंगे एल सिस्टम, ये अब ये जो एंगुलर मोमेंटम आता है ना, एंगुलर मोमेंटम इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, एल ऑफ सिस्टम, मतलब मैं इसको चाह रहा हूं नीचे लिखना, यहां पे इसको यहां पे लिख देता हूं, एल ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, अगर आपने इस एग्जांपल का प्रिंसिपल एक्सिस पता कर रहे, प्रिंसिपल एक्सिस अभी आपको शायद पढ़ाई ना गया हो, तो आई एक्स ओमेगा एक्स आई कैप प्लस आई वाई
ये वाई वाई होता है और ये ओमेगा एक्स एक्स होता है, आई वाई ओमेगा वाई जे कैप प्लस आई जेड ओमेगा जेड के कैप, इसको गवर्न करता है। तो अगर इसको उठा के तुम यहां पर रख दो और इसको उठा के यहां पर रख दो तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। यही नहीं, एक फिफ्थ प्रॉपर्टी है कंबाइंड मोशन की, कि किसी भी सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है, किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ एम बी सी एम का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी उसके सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, अगर वो रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी पे लगा हुआ है, ये रिजिड बॉडी पे है, तो अगर वो रिजिड बॉडी है तो ये गवर्न करेगा हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई का स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड का। तो किसी भी रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी उसके सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इससे निकालते हैं, किसी भी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम उसके सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इससे निकालते हैं। इसको उठा के यहां पर रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आज तक अपनी इतनी चीजें तो फिलहाल नहीं पढ़ी होगी, बस ये टर्म्स पढ़ा होगा, इसके बाद ये पढ़ा होगा और यहाँ पर आके बस इतना पढ़ लिया होगा, बाकी नहीं पढ़ा। इसमें भी यहां तक पढ़ा होगा और यहां पाने के बाद आपने थोड़ा सा ये पढ़ा होगा और ये भी थोड़ा सा तनिक किस फॉर्म में पढ़ा होगा, बट ये डिटेल है। अब जे एडवांस ने इसी पे बेस होके क्वेश्चन पूछा, जे एडवांस को नहीं पूछना चाहिए, तो उनको 12th का बच्चा चाहिए तो इस तरह क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, गलत चीज नहीं पूछना चाहिए, बट ठीक है पूछ दिया। तो आपके पास दो चॉइस होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का, पहला क्वेश्चन छोड़ दो, दूसरा ठीक है जो तुम्हें लगे कि करेक्ट है उस पर मार्क करो, अदरवाइज लीव करो। तो फैक्ट है कि मैं जहां तक बताऊं, मैं उम्मीद करता हूं इधर किसी की रैंक 1 आती है ना, 2016 में रैंक 1 आती है, तो उससे उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चंस को वो प्रॉपरली ना समझ पाया, मतलब ना कर पाया, मैं ये समझता हूं फिलहाल। अब क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला काम डी पार्ट पे थोड़ा चलते हैं। The center of mass of the ensemble rotate with the z-axis with an angular velocity of omega upon phi. अब इस पे जाने के लिए मैं इस डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज परेशान होने की जरूरत एकदम नहीं है। अगर नहीं भी समझ में आता है तो ये तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं है, तुम ये कहोगे ये जेई एडवांस वाले गलती से तुमसे पूछ दिए, उनको पूछने की जरूरत नहीं थी, ये उन्होंने गलत काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। 12th का बच्चे जी ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो भाई, जो कि तुम्हें से नहीं टीचरों को भी सॉल्व करने में मुश्किलें खड़ी हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए था। बट चलो अब हम बात करते हैं पूछ लिया था। तो अच्छा अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस तरीके से है, तो इस एंगुलर वेलोसिटी को उन्होंने ओमेगा बोला और रोटेशन ऐसे दे दिया। ओके अब मैंने यहां पे एक वेक्टर सिलेक्ट कर ली और कहा कि मेरा वेक्टर इस डायरेक्शन में, वन सेकेंड, हम अपने मन से आर वन और आर टू मान लेते हैं, इस एक्सिस के अलॉन्ग अपने मन से मैंने एज्यूम कर ली, सुनते रहे, इस एक्सिस के अलॉन्ग मैंने एक वेक्टर मान लिया अपने मन से, ये मान लिया कि आर वन कैप है, और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर मान लिया अपने मन से आर टू, एक क्वाड्रेंट एक्सिस ऐसे बनाया, एक क्वाड्रेंट एक्सिस मैंने ऐसे बना लिया, तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इस डायरेक्शन में है, ये वाला एंगल आपका थीटा है, मैं मान के चल रहा हूं, ये लेंथ एल है यहां से लेके यहां तक और ये लेंथ ए है, ये एल है। अब सुनना, और ये पूरा जो एजम्बल है इस जेड एक्सिस के अबाउट भी तो ऐसे घूम रहा है, अंदर को जाके ऐसे घूम रहा है, ऐसे मतलब वो ऐसे घूम रहा है, इसको मैंने ओमेगा जेड बोल दिया, ओमेगा जेड। तो मुझे बताओ अगर कोई पूछे कि इस पूरे एजेंबल का नेट एंगुलर वेलोसिटी कितना है, तो जो नेट एंगुलर वेलोसिटी होगी, अब मैं मेथड 1 यूज कर रहा हूँ डी ऑप्शन पाने के, हमारे पास उसको सॉल्व करने का कई अप्रोच हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, ठीक है।
बट चलो हम एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कितने अप्रोच से उसको निकाला जा सकता है। लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज एडवांस का क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज मैं बताता नहीं, एकदम इंटरेस्टेड नहीं बताने में। तो ओमेगा नेट कितना आएगा, तो ये एंगुलर वेलोसिटी इस पूरे एग्जांपल का इस एक्सिस के अबाउट है और इस एक्सिस की एंगुलर वेलोसिटी के अबाउट ये है, तो नेट एंगुलर वेलोसिटी इसको इसको वेक्टर सम करके आएगा, ये बनेगा ओमेगा और घूम रहा ऐसे आ रहा ऐसे, तो ओमेगा इंटू आर वन कैप वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर जोड़ दो, दिस इज ओमेगा जेड इंटू ये जेड के कैप है, ये है के कैप, क्या ये नेट एंगुलर वेलोसिटी है इस एग्जांपल की? तुम कहोगे कि यस नेट एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा इस पे कह रहा कि प्योर रोलिंग हो रहा, क्वेश्चन मेंशन है कि मोशन अंडर प्योर रोलिंग कंडीशन विदाउट स्लिपिंग, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनकी रैंक हम लोग 10 के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं या वो 5 के अंदर मान लो तुम या 1 के अंदर मान लो, तुम्हारी मर्जी है। ये नेट एंगुलर वेलोसिटी है, कहा गया था कि ये पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये लाइन क्यों है इंस्टेंटेनियस रोटेशन, प्योर रोलिंग है तो इसकी वेलोसिटी जीरो, इसकी भी जीरो, तो इन दोनों को अगर आपस में मिला दूं तो क्या ये जो लाइन बनेगी ये IAR का रूल प्ले करेगी? यस, इंस्टेंटेनियस एक्सिस के हर पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होती है, तो इसकी भी जीरो होगी, तो इसकी भी जीरो होगी, तो IAR कुछ और नहीं इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो दिस इज IA इनटू R। और अभी मैंने आपसे कहा था कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस की प्रॉपर्टी है कि नेट एंगुलर वेलोसिटी भी IAR के ही डायरेक्शन में होती है, तो अपनी नेट एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। अच्छा तो इस वेक्टर को लिखते हैं यहां पे, इस वेक्टर में ये जो ओमेगा जेड है वो ऊपर की ओर है, ये मेथड वन में यूज कर रहा हूं, मेथड वन, ये ओमेगा जेड है और ये ओमेगा आर वन इस तरीके से है और ये वाला एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा वो ऐसे है इस तरीके से, क्या है आपका ओमेगा ये है आर वन ऐसे, और इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बना दूं ऐसे तो दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा। अब मुझे बताओ अगर ये आई ए आर है, अगर ये आई ए आर है, दिस इज आई ए आर, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस का डायरेक्शन है, तो मुझे पता है कि नेट एंगुलर वेलोसिटी इसका इसका वेक्टर सम हमेशा इस डायरेक्शन में आना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए, इधर नेट एंगुलर वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, तो कैसे जीरो होगा? ओमेगा का ये वाला कंपोनेंट ओमेगा साइन थीटा, ओमेगा साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा जेड, ऐसा होना चाहिए, ओमेगा जेड इक्वल टू ओमेगा का साइन थीटा। अब ओमेगा जेड उन्होंने पूछा है कि पूरे एग्जांपल का एंगुलर वेलोसिटी इस एक्सिस के अलावा ओमेगा के टर्म में कितना होगा, तो साइन थीटा मिलेगा तो ओमेगा जेड आ जाएगा ओमेगा के टर्म में, थीटा निकालना बाकी है। थीटा निकालने के लिए क्वेश्चन में इस एल की वैल्यू मेंशन किया गया कि अंडर रूट 24 ए के बराबर है, देखना एल की वैल्यू उन्होंने दे रखा है अंडर रूट 24 ए, अंडर रूट 24 ही दे रखा है, अंडर रूट 24 ही दे रखा है। तो इस ट्रायंगल्स में अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल में तो ये तो 90 डिग्री है और ये हाइपोटेनस है, तो अगर ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस और ये 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं टैन थीटा इज ए अपान एल, टैन थीटा इज ए अपान एल। अच्छा अगर ये रूट 24 ए है, देखो रूट 24, अगर ये रूट 24 ए है तो ये रूट 24 ए और ये ए, तो ये कितना आएगा, ये आएगा, ये लिख लो टेन थीटा इज, ट्राइंगल बनाते हैं, द टेन थीटा इज नथिंग बट ए अपान एल, तो ए अपान एल रूट 24, तो ये ए होगा और ये रूट 24 ए होगा, तो टेन थीटा को मैं 1/√24 के रेशियो में लिख सकता हूँ, 1/√24, इसको 1 लिख दिया, इसको √24 लिख दिया, इसको 1 लिख दिया, तो ये कितना आएगा 5, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट करोगे तो 25√5 बनेगा, ये बन गया। तो टेन थीटा इज ये हाइपोटेनस ये है 5 बनेगा और ये वाला √24 और ये वाला 1 है, समझ रहे होगे मैं क्या, यहां से ओमेगा जेड की वैल्यू आ गई ओमेगा इनटू साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा 1/5, तो 1/5 दिस इज ओमेगा अपन 5 एंड दिस इज द आंसर्स गिवन एज डी पार्ट ओमेगा अपन 5, इसका मतलब कि इसका डी पार्ट सही है।
जी एडवांस ने कहा कि देखो यही एक आंसर है जो कि सही है, सही मामले में इस क्वेश्चन का आंसर यही सही है, और तुम्हें भी लग रहा हो कि हाँ सही है, इसमें कोई लोचा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी को निकालने के लिए अगर मैं तुमसे एक सेकेंड अप्रोच का हेल्प लूं, सेकेंड अप्रोच का मैं हेल्प लेता हूं, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करना, इस सेकेंड अप्रोच को अभी आपको समझ में आएगा। मैंने कहा कि ये जो बॉटम पॉइंट है ना, इस बॉटम पॉइंट के मौसम की स्टडी करते हैं। अच्छा मुझे बताओ डीटी टाइम में ये जो बॉटम पॉइंट होगा वो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कुछ एंगल कुछ दूरी ऐसे तय करेगा, मतलब ये जो बॉटम पॉइंट है ये जो डिस्क कैसे घूम रहा है, डिस्क कैसे घूम रहा है, तो बॉटम पॉइंट ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे एक इमेजिनरी काल्पनिक पॉइंट है जो कि ऐसे मोशन कर रहा है, और वो काल्पनिक पॉइंट इस डिस्क के बॉटम से जुड़ा हुआ है। तो ये जो बॉटम पॉइंट है डीटी टाइम में कितना एंगल घूमेगा, डीटी टाइम में जो एंगल घूमेगा वो अगर वो डी थीटा एंगल घूमता है तो ये जो लेंथ होगा डी थीटा इज नथिंग बट डी थीटा इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनटू डीटी। ये डीटी टाइम में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनटू डीटी के बराबर एंगल घूमेगा, तो यहां पे कितना लेंथ सरफेस पे छोड़ेगा, तो ये रेडियस ए है और थीटा इतना ट्रेवल किया, तो ए इंटू डी थीटा सर्कल का इस आर्क का, ये जो आर्क है बेसिकली ऐसे है, ये आर्क ऐसे है और ये सेंटर इस डिस्क का है, ये कुछ इस तरीके से ऐसे है। तो अब ये एंगल डी थीटा है, ये रेडियस ए है, तो ये लेंथ कितना होगा ए डी थीटा, अगर ये ए है और ये डी थीटा है तो ये होगा ए डी थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं ए, और डी थीटा इस अर्थिंग ओमेगा डी टी, ओमेगा डी टी लिख लिया, तो इस सर्कल का आर्क का लेंथ इतना। लेकिन इस ये जो पॉइंट है काल्पनिक पॉइंट इस जेड एक्सिस के अबाउट भी ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा जेड, ओमेगा जेड, और ये लेंथ क्या है फाइव, ध्यान रखना। तो ये जो पॉइंट है वो काल्पनिक पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जेड से घूम रहा है, तो वो इस एक्सिस के अलोंग ये जो एंगल तय करेगा, ये तय करेगा, ये कुछ और नहीं ओमेगा जेड इंटू डी टी चेक करेगा, ओमेगा जेड इंटू डी टी ये एंगल तय करेगा, और ये लेंथ 5a के बराबर है, तो ये जो लेंथ ए ओमेगा डी टी मैं लिख रहा हूं, क्या मुझे उसको लिखना चाहिए कि 5a में इस एंगल को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5a इंटू ओमेगा जेड इंटू डी टी। अब देखो यहां से डी टी कैंसल आउट हो जाएगा, ए से ए कटेगा और यहां से ओमेगा जेड की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा अपान 5। तो आपने देखा कि मैंने थर्ड टू का हेल्प लेके ओमेगा जेड निकाला, ये भी आपको बात समझ में आई होगी ना। ये तो आ गया एंगुलर वेलोसिटी, अब आते हैं सारे प्रॉब्लम्स। सारे प्रॉब्लम्स में उसमें ये है, देखो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे, ये निकालना बड़ा इजी पार्ट है, इसको निकालते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज 17 ma² / ma² ω/2। इस वैल्यू को मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यहां पे सेंटर ऑफ मास है और इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है, तो सबसे पहले आपका काम है प्रिंसिपल एक्सिस डिसाइड करना। अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होती है जो तो अब हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। देखो पहली बात, प्रिंसिपल एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिसेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, अगर किसी रिजिड बॉडी को किसी एक प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट घुमा दो तो उस रिजिड बॉडी की एंगुलर मोमेंटम उस एक्सिस के अलोंग, उस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट,
कि अबाउट एंगुलर मोमेंटम, उस एक्सिस के अलोंग ही आएगा और दूसरा उस एंगुलर वेलोसिटी भी उस एक्सिस के ही अलोंग जाएगी। रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार फिर पूरी पूरी इंग्लिश वर्ड में बोल दूं, ठीक है। ये है फॉर अ रोटेशन अबाउट ओनली वन ऑफ दिस एक्सिस द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज पैरेलल टू एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। समझ गए तुम? मतलब अगर इस रिजिड बॉडी को सिर्फ ओनली वन एक प्रिंसिपल एक्सिस के बॉर्ड घुमा दूं, बाकी नहीं, अगर इस रिजिड बॉडी को, एक्चुअली में ये MIT की वेबसाइट पे है, MIT की वेबसाइट पे है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्सिया आप सर्च करिएगा, उसमें एक लाइन लिखी हुई है फॉर अ रोटेशन अबाउट ओनली वन ऑफ दिस एक्सिस द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज पैरेलल टू एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। ये थर्ड लाइन के एंड से शुरू हो रहा है अगर आप इस वीडियो को देखते हो। तो ये लाइन क्या बता है कि अगर इस रिजिड बॉडी को किसी एक प्रिंसिपल एक्सिस के बॉर्ड घुमा दो तो इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसी एक्सिस के अलोंग आएंगे, मतलब एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाएंगे। तो सही चीज है। देखो अगर मैं इस रिजिड बॉडी को इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस छोड़ दो, सिर्फ ऐसे घुमाओ, सिर्फ ऐसे, मतलब इस तरीके से, ये कैसे है और ये कैसे, ये बड़ा सा, ये कोण ऐसे बना दिया, ये सिमेट्रिकल एक्सिस है, ये सिमेट्रिकल एक्सिस है, ये सिमेट्रिकल एक्सिस है। अच्छा, सिमेट्रिकल एक्सिस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस बन जाती है। ये सिमेट्रिकल एक्सिस है इस कोण का, अगर मैं इसको घुमा दूं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ऐसे घुमा दूं, ऐसे ही घूमता रहे, तो क्या इस एक्सिस पे इस एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इस एक्सिस के अलोंग होगी, इसके अलोंग होगी, ओमेगा का डायरेक्शन इसके अलोंग होगा। इस पे किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूं इस कोन का, तो क्या वो भी इसी के अलोंग आएगा? यस, वो भी इसी के अलोंग आएगा। मतलब इस रिजिड बॉडी को अगर इस सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट अगर आप घुमाते हो तो इस रिजिड बॉडी की एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस पे लाइक करने वाले किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस एक्सिस के ही अलोंग आएगा और ओमेगा भी उसी के अलोंग है। दैट मीन्स ये सिमेट्रिकल एक्सिस कुछ और नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस है। फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन कि अगर किसी रिजिड बॉडी को किसी एक प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट अगर मैं घुमा दूं तो इस रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस पे लाइक करने वाले किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर नेट एंगुलर, उस एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में आता है तो वो एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और यही रीजन है कि जो सिमेट्रिकल एक्सिस होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस बन जाती है। पहला पॉइंट, तो अगर एक मैं प्रिंसिपल एक्सिस पता कर लूं तो वो सेंटर ऑफ मास से पास करेगी, तो बाकी जो प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो इसी एक्सिस पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। तो अगर एक एक्सिस से है तो दूसरी एक्सिस से होगी और तीसरी एक्सिस से होगी, वो दोनों एक्सिस सिमेट्रिकल हो या न हो फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑर्थोगोनल्स होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस कहीं से पता कर लिया तो बाकी दो, तो मैं इस प्रॉपर्टी से बोल दूंगा कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होते हैं। तो क्या मैं इसमें जान चुका हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है? यस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको मैंने R1 लिख दिया, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जो अगला बनेगा म्यूचुअली प्रिंसिपल एक्सिस, बाकी प्रिंसिपल एक्सिस, एक प्रिंसिपल एक्सिस है तो दूसरा इस पे परपेंडिकुलर दिखाएंगे, तो इस एक्सिस पे 90 डिग्री होगी और ये जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन बनेगी और ये लाइन एक दूसरे के एग्जैक्टली पैरेलल होंगे। तो ये आपका बन गया दिस, ये डायरेक्शन नथिंग बट R2 कैप के डायरेक्शन है। तो अब और ये प्रिंसिपल एक्सिस का डायरेक्शन कुछ और नहीं, R1 कैप है। तो R1 कैप एंड R2 कैप ये जो डायरेक्शंस हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन है। तो क्या मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस पूरे रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकता हूं? यस, निकाल सकता हूं। चलो इसके लिए काम करते हैं, इस पूरे रिजिड बॉडी का जो नेट एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर वेलोसिटी है, नेट एंगुलर वेलोसिटी इस वेक्टर, इस वेक्टर का सम है, वेक्टर सम है,
इसका और इसका वेक्टर सम है, तो जो नेट एंगुलर वेलोसिटी आएगी, नेट एंगुलर वेलोसिटी आएगी, दिस इज नथिंग बट ओमेगा का कॉस थीटा, क्योंकि वाई में तो कैंसिल हो गया, तो नेट इस रिजिड बॉडी का नेट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में आई, इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई, ऐसे मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग आई, वो कितना होगा ओमेगा का कॉस थीटा, तो ओमेगा कॉस थीटा, और यहां से कॉस थीटा क्या आएगा, रूट 24 अपॉन 5, तो आप इसको लिखेंगे रूट 24 अपॉन 5, ये मल गया आपका नेट ओमेगा, ये तो जेड के अलॉन्ग, और इसका डायरेक्शन किधर है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में इधर है इधर, तो मैं यहां पे कहीं एक जगह लिख दे रहा हूं नेट एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे, दिस इज ओमेगा नेट, नेट जो कि इसके अलॉन्ग, और जो आर वन है, आर वन वो कुछ इस तरीके से, ये आपका आर वन कैप वेक्टर, और आर टू वेक्टर ऐसे जो कि इस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस आर टू वेक्टर बनेगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि आर टू इधर पॉजिटिव है तो इसके परपेंडिकुलर नेगेटिव बनेगा इस आर वन के परपेंडिकुलर, और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा है। अब सुनो, इस ओमेगा नेट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक आर वन के अलॉन्ग है और एक इस माइनस आर टू के अलॉन्ग, मतलब इसके अलॉन्ग बनेगा, तो इस ओमेगा नेट के अलॉन्ग जो कंपोनेंट बनेगा, ये ओमेगा वन लिखिए, वो बनना चाहिए आपका ओमेगा नेट का कॉस थीटा, नेट ये है तो इसका कॉस कंपोनेंट, ओमेगा नेट का कॉस थीटा, ओमेगा नेट क्या है, ओमेगा रूट 24 अपॉन 5 है का कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो आपका आएगा इस ट्रायंगल से रूट 24 अपॉन 5 है, तो रूट 24 अपॉन 5 आ गया, दैट मीन्स ओमेगा 1 इज नथिंग बट 24 ओमेगा अपॉन 25 आ गया। अब बात करेंगे ओमेगा 2 का, जो कि इसके डायरेक्शन में आएगा, इस ओमेगा नेट का ये वाला कंपोनेंट ओमेगा नेट साइन थीटा, एंगल के सामने वाला साइन, ओमेगा नेट साइन थीटा, ओमेगा नेट किसके बराबर है, तो ओमेगा रूट 24 अपॉन 5 का साइन थीटा, साइन थीटा, अच्छा यहां से साइन थीटा क्या आएगा 1 अपॉन 5, तो 1 अपॉन 5 करेंगे तो इतना हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 निकाल दिया। अब अगला काम क्या है हमारा, LCM इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट, ओके। तो अब मैंने क्या किया इसके लिए ना, LCM लिखूंगा, LCM क्या है, LCM का जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये डिस्क है तो इसके अबाउट क्या बनेगा एम ए स्क्वायर बाई टू मास एम मास फॉर एम, तो इस एक्सिस अबाउट बनेगा एम ए स्क्वायर बाई टू, ये बन गया एम ए स्क्वायर बाई टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ये बनेगा फोर एम ए की जगह पे टू ए का होल स्क्वायर बाई टू, ये नेट आई बन गया इस एक्सिस के अबाउट इनटू इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी इस डिस्क का इस पूरे सिस्टम एजम्बल का कितना मल्टीप्लाई करेंगे, देखो फॉर्मूला देखो आई एक्स ओमेगा एक्स प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू उस डायरेक्शन की एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं टर्म्स यूज कर रहा हूं, तो मैं आई लिखा इसके डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन का नेट इस डायरेक्शन का एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, वो इस डायरेक्शन की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन है इतना, तो इसको लिखेंगे हम लोग 24 ओमेगा अपॉन 25 डायरेक्शन ऐसे आ रहा है आर वन, तो बनेगा आर वन कैप प्लस, अभी प्लस बाकी है, प्लस इस एंगुलर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ऊपर कर्व भी तो है, साइन कंपोनेंट ए ऊपर कर्व भी तो है इसके डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी है, तो एक एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो अब इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, अगर इसका मास एम है इसका ये मास एम है और यहां से लेके यहां तक लेंथ एल है, लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, तो सेंटर ऑफ मास की ये जो दूरी बनेगी वो कुछ और नहीं 4L अपॉन 5 बनेगी, समझ सकते हो कैसे भाई 4M ये पूरे का मास यहां पे, तो 4M into L plus M into 0 divide by M plus 4M, तो पूरा 4L अपॉन 5 हो जाएगा, समझ गए, इस पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां पे M, इस पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां पे 4M, बीच की दूरी L, तो कोई पूछे सेंटर ऑफ मास
इज इक्वल टू 4m इंटू एल प्लस एम इंटू जीरो डिवाइड बाई एम प्लस 4m, तो 4l अपॉन 5 है, तो यहां से 4l अपॉन 5 दूरी पे इसका सेंटर ऑफ मास, तो इस एक्सिस का व्हाट मोमेंट ऑफ मोशन लिखेंगे, तो इस एक्सिस के पैरेलल ओके तो अब देखो अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ निकालना, तो इस डिस्क के प्लेन में इस एक्सिस का व्हाट होता है एम ए स्क्वायर बाई 4 इन पैरेलल एक्सिस सर, ये होता है एम ए स्क्वायर बाई 2 एम ए स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर बाई 2 और इसी के प्लेन में एम ए स्क्वायर बाई 4 फिर पैरेलल एक्सिस सर, तो आप इसको लिखेंगे एम ए स्क्वायर बाई 4 प्लस एम इंटू 4l अपन 5 4l अपन 5 का होल स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया इसका इसके बाद, अब इसका इसके बाद, तो इसका इसके बाद बनेगा 4m 2a का स्क्वायर बाई 4, मैं सब तो मैं क्या लिख रहा हूँ m a स्क्वायर बाई 4 फिर पैरेलल एक्सिस सर, तो 4l बाई 5 होगा तो होगा l बाई 5 होगा आपका L by 5, तो मैं यहां लिखूंगा प्लस 4m इंटू एल अपॉन 5 का होल स्क्वायर, ये बन गया इंटू इंटू इस एक्सिस का वोट आ गया इंटू ये वाला वेक्टर ओमेगा 2, ओमेगा 2 का जो वेक्टर है उसकी वैल्यू ये है, दिस इज ओमेगा, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं ओमेगा रूट 24, ओमेगा रूट 24 डिवाइड बाई 25 ये आ गया, और ये डायरेक्शन ऊपर को आ रहा है आर टू का उल्टा, ये बनेगा माइनस आर टू कैप, ये बन गया। अब इस पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, देखो मैंने इस डेटा को कैलकुलेट करने की कोशिश की है, तो ये है एम ए स्क्वायर बाई 6 एंड 4 कैलकुलेशन बताता हूं, देखो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आती है इतने, तो इसको मैंने निकाला ये वैल्यू तो मैंने इस पे रख दिया, ये 17 बाई 2 एम ए स्क्वायर प्लस दिस वन आर वन कैप, और ये पूरी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली इतना आ गया, और ये वाला टर्म एज इट इज मैंने रहने दिया आर टू कैप ये अभी रहने दिया, ये एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास वन सेकेंड, अब उसने पहला पार्ट क्या बोला है, क्वेश्चन में पहला पार्ट ये बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ, सुनना द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट सेंटर ऑफ मास इज 17 एम ए स्क्वायर मेगाबाइटर, तो 17/2 की बात कर रहा है, 17/2 ये आंसर्स में नहीं आने वाला है, देखो कैसे 17/2 तो ये खुद ही ये टर्म कुछ ना कुछ तो है ही है, ये जो टर्म है वो देखो 25 के साथ अगर मैं ले लिया जाए तो ये पूरी वैल्यू 17/2 में तक कन्वर्ट टेल्टेस्ट नहीं होने वाली है, ये नहीं होने वाली, इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड निकालना ना तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल ही दूं तो मैग्नीट्यूड टोटल आएगा जो एक्चुअल इसका आंसर है वो कितना आएगा मैं बताता हूं, देखो कैलकुलेटर कर लें पहले ओके okay. अब इसको मैंने प्रॉपरली कैलकुलेट किया, देखो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि इसको मैं इसलिए बताना पड़ा कि बच्चों ने कहा था कि सर मुझे वो वाला दो डिस्क वाला क्वेश्चन बताइए, तो मैं बता रहा हूँ अदरवाइज मैं नहीं बता रहा था, देखो मैंने अब क्या किया कि इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर रख दिया, इसको कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पर रख दिया, अब इसको अलग अलग किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया, इसको मल्टीप्लाई किया कैलकुलेट कर लिया आगे, ठीक है अब तुम देखना, तो
अब इस एलसीएम का मिंग रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, क्योंकि आर वन आर टू एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये आर वन और आर टू एक दूसरे के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट करेंगे तो आ जाएगा 9.31 एम ए स्क्वायर ओमेगा। जबकि उन्होंने जो आंसर दी थी, उन्होंने जो आंसर दिया था देखो वो है 17/2 सेंटर ऑफ मास अबाउट 17/2 तो 8.5 आठ दो 8.5 आएगा। ये किसी भी हालत में आंसर फिलहाल नहीं सही है। अब जेई ने क्यों इसका आंसर दिया मैं तुम्हें बताता हूं। देखो ये आंसर को जेई ने क्यों कहा कि शायद ए भी हो सकता है, वो शायद वाला टर्म बता रहा हूं क्या है, शायद शायद क्या है? उसने कहा कि मान लो एक रोटेटरी ऑब्जर्वर लो, रोटेटरी देखो अब बताता हूं इस टर्म्स को, रोटेटरी ऑब्जर्वर अगर यहां पे एक रोटेटरी ऑब्जर्वर ले लो, एक रोटेटरी ऑब्जर्वर ले लो, तो यहां पे अगर रोटेटरी ऑब्जर्वर रखते हो ना, यहाँ पे रोटेटरी ऑब्जर्वर, तो रोटेटरी ऑब्जर्वर इस एक्सिस के अबाउट उसी ओमेगा से घूम रहा होगा जिस ओमेगा से ओमेगा जेड घूम रहा है, तो फिर इस पूरे डिस्क का इस एजम्बल का रोटेशन इसके अबाउट खत्म हो जाएगा, तो पूरा पूरा डिस्क इस रोटेटरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऐसे घूम रहा होगा रोटेटरी ऑब्जर्वर। एक सिद्धार्थ ना, ये जो तुम एंगुलर मोमेंटम निकालते हो ना सेंटर ऑफ मास रिस्पेक्ट में, ये रोटेटरी ऑब्जर्वर के लिए नहीं होता, इट इज ओनली फॉर ट्रांसलेटरी ऑब्जर्वर सिचुएटेड ऑन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सिर्फ ट्रांसलेटरी ऑब्जर्वर। तो सेंटर ऑफ मास पे जो ट्रांसलेटरी ऑब्जर्वर है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम ये नजर जो मैंने निकाला है, और यही तुम्हें भी निकालना है, ये ध्यान रखना, यही तुम्हें भी निकालना है कुछ और नहीं। अगर कोई पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पे क्या है, एक ट्रांसलेटरी ऑब्जर्वर है, उसको एंगुलर मोमेंटम क्या दिख रहा है ये लिखना है, वो ये है, और इसी वजह से बी पार्ट गलत है। लेकिन एक ऐसा ऑब्जर्वर लो, ऐसा ऑब्जर्वर लो जो कि सेंटर ऑफ मास पे ही हो बट वो उस ओमेगा से घूमे जिस ओमेगा से घूम रहा है, तो पूरा का पूरा एजम्बल इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे मतलब अपने एक्सिस पे घूम रहा होगा। अच्छा अपने एक्सिस पे एजम्बल घूम रहा है, इसको एक टर्म बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, द वर्ड इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो अगर ये पूछता ना कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम बता, तब स्पिन एंगुलर मोमेंटम सिर्फ ये इस एक्सिस के अबाउट नेट आई लिखते इनटू इस ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते। मतलब अगर कोई पूछे कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो वेक्टर बनता है या मैं वो क्या बनता है, इस एक्सिस को नेट आई, इस एक्सिस को नेट आई, वो यही वाला है, यही वाला टर्म्स है नेट आई, नेट आई है ये टर्म, तो बन गया 7/2 एम ए का स्क्वायर इनटू इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये है बेसिकली। बट ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और डायरेक्शन होगा आर वन कैप, आर वन कैप की तरफ, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इट इज नॉट एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये एकदम गलत है, दिस इज ओनली स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो बेसिकली उन्होंने, या मैं यूं कहूं तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एजम्बल विथ रिस्पेक्ट टू अ रोटेटरी ऑब्जर्वर सिचुएटेड ऑन सेंटर ऑफ मास, हियर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटरी ऑब्जर्वर इज एग्जैक्टली सेम एज ओमेगा जेड, तो आंसर ये आता है। अब उन्होंने कहा कि हो सकता है किसी बच्चे ने ऐसा मान लिया हो कि यहाँ पे वो बैठा हुआ है और उसको और उसी ओमेगा से घूम रहा है जिस ओमेगा से घूम रहा है और ये पूरा एग्जांपल अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, तो उन्होंने सॉल्व कर दिया, आ गया ये आंसर। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सरासर अन्याय है। बट किसी ने ऐसा मान लिया तो उसके लिए जेई वालों ने कहा कि ठीक है यार ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है तो चलो, इसीलिए इस आंसर को कहा कि अगर किसी ने बी को मार्क कर दिया है तो चलेगा, तो उसने स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया है और चलो, मतलब इसका मतलब उसने समझ लिया स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो चलेगा, तो इसीलिए इस बी ऑप्शन को जेई वाले चला रहे हैं, बी डी बोल रहे हैं या डी बोल रहे हैं, मतलब बी को कह रहे हैं कि देखो सही तरीके सही नहीं है, लेकिन कोई जबरदस्ती सही करना चाहता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम समझ ले रहा है उसको तो चलो चलेगा, अदरवाइज रॉन्ग। तो ठीक है, तो बी पार्ट इज रॉन्ग, समझ गया।
अब बात करेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एजम्बल अबाउट द पॉइंट ओ इज। अब आपको क्या करना है, इस पार्ट पे आते हैं। सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास रिस्पेक्ट में आप निकाल चुके हैं, अब कह रहा है सेंटर ऑफ मास एंगुलर मोमेंटम बताइए, सेंटर ऑफ मास एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में कितना होगा। अब ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में, वो कुछ और नहीं है, एम आर परपेंडिकुलर वीसीएम ही है, एम आर परपेंडिकुलर वीसीएम है। तो अब मैंने क्या किया, एम आर परपेंडिकुलर वीसीएम, तो एक बार फिर मैं इसको ऐसे आऊंगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चंस ठीक है इस लेवल पे एक्चुअल में कई जगहों पे नहीं पढ़ाया जाता है, तो एकदम परेशान मत होना ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये पॉइंट ओ है, तो मुझे ये बताना सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में ये बनेगा एम, एम क्या टोटल मास सिस्टम का, तो फोर एम एम फाइव एम एम आर परपेंडिकुलर इंटू बी सी एम या एम आर क्रॉस बी या एम आर क्रॉस बी सी एम। अच्छा मुझे बताओ सेंटर इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस जेड और इस वाई एक्सिस के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी? यस, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इस जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इस पर्टिकुलर स्टेट में सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो अंदर की होगी, अंदर की ओर, और उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा, क्रॉस से। और इस सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बनेगा, ये क्या ये डायरेक्शन और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? यस, क्योंकि ये जो लाइन है वो इस जेड वाई प्लेन में है, ये जो लाइन पोजिशन वेक्टर का रहा है सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर, वो इसी प्लेन में आ रहा है और वेलोसिटी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो एम आर परपेंडिकुलर वीसीएम क्या बनेगा, ये वाला दूरी आर, तो एम आर इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वीसीएम। अब मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वीसीएम निकालना चाहता हूं, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी वीसीएम होगी उसके लिए मैंने क्या किया, देखना अगर मैं कहूं कि ये एंगल थीटा है तो इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं और ये ओमेगा जेड से घूम रहा है, तो मुझे बताना सेंटर ऑफ मास अगर इस एक्सिस को सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वीसीएम क्या होनी चाहिए? ये वाला एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा बनेगा, तो ये अगर दूरी आर है तो ये बनेगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इनटू ओमेगा जेड, इस ओमेगा जेड से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा वीसीएम और आर तो आ रही है, अब इस वैल्यू को उठा के यहां पर रख दिया तो ये बन गया 5m into r square, 5m into r square cos theta into omega z. अब इस omega z is nothing but omega upon 5 है, cancel out, इससे center of mass का ये mod निकाल रहा हूं और डायरेक्शन पता किधर आएगा, velocity अंदर r ऐसे, तो एम आर क्रॉस बी, आर इधर भी इधर, आर क्रॉस बी हमारा ऊपर ऐसे, इस लाइन पे एकदम परपेंडिकुलर आएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ओ, ये एकदम 90 डिग्री बनेगा। तो ये एलसीएम जो है या एलसीएम ओ, यही ये एकदम सेम है, एकदम सेम है, तो ये आएगा एम आर का स्क्वायर, आर क्या है ये डिस्टेंस, अच्छा ये दूरी एल था और ये दूरी था 4L by 5, ये दूरी एल, ये था 4L by 5, आप देखेंगे l प्लस 4l अपन 5 का होल स्क्वायर, तो m r का स्क्वायर cos theta, cos theta अपना जो cos theta आया था वो देखो कितना था, cos theta is root 24 अपन 5, तो root 24 अपन 5, तो यहां लिखेंगे cos theta पे root 24 अपन 5 into omega, ये आ गया। तो यहां से l c m o की वैल्यू होगी, देखो कितना, पांच एकम पांच चार नौ, नौ क्या इक्यासी, ये बन गया इक्यासी अपान पच्चम पच्चीस, पच्चीस पच्चीस एक सौ पच्चीस, एक सौ पच्चीस इंटू एम एल का स्क्वायर इंटू रूट ट्वेंटी फोर ओमेगा, ये आ गया। अब उन्होंने कहा था कि सेंटर ऑफ मास का ओ के अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो कितना उन्होंने दिया है, देखो
√24/125 है, समझ सकते हो? एक तरह से ना अगर ये 5 से डिवाइड करोगे तो ये 25 के टर्म्स लगभग जैसा है, लगभग ये 80, देखो कितना दिया हुआ, 81 ma² ओमेगा, ये गलत है, 81 ma² √24/125 बनेगा, द सी पार्ट इज रॉन्ग। इस तरीके से मैंने क्या किया कि एंगुलर मोमेंटम लिख दी, ये आ गया इतना। ये पार्ट अब आते हैं अंतिम पार्ट, अंतिम पार्ट क्या कह रहा है? इसका अंतिम पार्ट ये कह रहा है कि इस पूरे एग्जांपल का एंगुलर मोमेंटम द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एल, एल इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम है, उसका इस डायरेक्शन का एंगुलर मोमेंटम बताइए कितना है इस डायरेक्शन का। चलो निकालते हैं, तो इस डायरेक्शन का अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इस डायरेक्शन का, तो आपके सामने दो वेक्टर है, एक पूरे एग्जांपल का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में और एक सेंटर ऑफ मास का। अब आपको जेड में निकालना है तो आपको इस डायरेक्शन में वेक्टर कंपोनेंट करना पड़ेगा, इसका भी और जो एलसीएम वाला है उसका भी। तो चलो अब मैं इस पे वेक्टर थोड़ा सा लिखने जा रहा हूं, एक बार ध्यान से देखोगे तुम, एक बार ध्यान से देखना इसका, ये है वाई, इस एक्सिस को मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही बनाई और कहा कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा है और ये जो है इस पे परपेंडिकुलर है जो कि एल सी एम, यही है एल सी एम, मतलब एल सी एम। अब दूसरा इसके अबाउट बाकी जो एंगुलर मोमेंटम्स हैं उसके कंपोनेंट्स पाते हैं, उसके ये कंपोनेंट्स 8.1 R1 के डायरेक्शन में, R1 किधर आपका ऐसे, और एम ए स्क्वायर ओमेगा बाहर निकालेंगे, 8.1 R1 के डायरेक्शन में, 8.1। अच्छा इसमें एम ए का स्क्वायर ना एम एल का, अच्छा इसमें एल का भी तो टर्म बचा हुआ है, इसमें एल भी रखना बाकी है, एल कितना था √24a था, याद करो √24a, ये 24, ये जो टर्म्स है ना एल की वैल्यू थी √24a, तो स्क्वायर ही तो 24 बन जाएगा, ये बन जाएगा 24, सुनना ध्यान से, एल की जगह पे था √24a, √24a तो ये बनेगा इतना इंटू एम ए, ये टर्म आ गया, बस ये टर्म इसमें भी है एम ए का स्क्वायर ओमेगा और ये टर्म मैंने इसमें निकाला है, देखो एम ए का स्क्वायर ओमेगा। अब इस कांस्टेंट से हमें काम चलना है, बाकी एम ए स्क्वायर ओमेगा मल्टीप्लाई कर लिया जाए, R1 8.1 देखो, ये जो वैल्यू है ना इस वैल्यू की जगह पे मैंने लिख दिया, इसके जगह पे मैंने लिखा ये 81 × 24/25 81। अच्छा उसमें देख लो 81 का टर्म है, 81 के बराबर अप्रोक्सीमेट तो वही हो 24/25 चल रहा है, उसी की वजह से सब गड़बड़ चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। देखो थोड़ी सी मैं बार बार शुरू से रिपीट कर रहा हूँ कि नहीं समझ आया तो प्लीज परेशान होने की जरूरत नहीं। ये इतना आ गया, R1 का डायरेक्शन नहीं था, इसके डायरेक्शन में R1 इसके डायरेक्शन में जो एंगुलर मोमेंटम था 8.1 है और R2 किधर है आपका, R2 इधर है तो ये वाला ऊपर करोगा 8.1 and 4.59 एंड अगला जो आएगा वो किधर आ रहा है ऊपर की ओर और ये कितना है 4.59, ये इधर है और ये इधर है। अब उन दोनों वैल्यू को जोड़ दो और बाद में मुझे इसके अलावा कंपोनेंट्स करने बाकी, ये कितना आएगा देखते हैं, 81 × 24/25 + 4.59 ये आ रहा है। ये पूरी वैल्यू यहां से हटाने के बाद ये कैलकुलेट करके जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 82.35। अब आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस डायरेक्शन में, तो ये थीटा है
इसको आगे बढ़ा दीजिए तो ये भी बनेगा थीटा और ये भी बनेगा थीटा। तो इस जेड के डायरेक्शन में जो नेट एंगुलर मोमेंटम आएगा वो हो जाएगा 82.35 इनटू कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा रूट 24 अपॉन 5, रूट 24 अपॉन 5 माइनस ये नीचे आ रहा है, दिस इज 8.1 का साइन थीटा, साइन थीटा एंड साइन थीटा था 1 अपॉन 5। अभी वैल्यू निकालनी बाकी है, ये कितना आएगा देखो तो आएगा 8.142 अब इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो पूरी वैल्यू आई 18.142 जेड, और ये वाला टर्म अलग से बस मल्टीप्लाई कर लेना, दिस इज एम ए स्क्वायर ओमेगा। ये जेड के अलॉन्ग एंगुलर मोमेंटम है जो कि आप देख सकते हो इसमें, जेड के अलॉन्ग एंगुलर मोमेंटम उन्होंने कहा है कि 55 एम ए का स्क्वायर है, ये किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अब ये आंसर्स थे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं आपको मिल गए, वो ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो इट्स आंसर इज डी, बाकी सारे पार्ट्स गलत, ठीक है।